हेलो दोस्तों, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए चूड़े का पोहा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। इस रेसिपी के लिए मैंने सागा प्याज लिया है, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चा लिया है, 2 प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं, गाजर, लहसुन और सूखी मैंने कड़ी पत्ता लिया है, साथ ही मटर लिया है। मैंने जो मेरा चूरा है वो काफ़ी पतला है, इसलिए मैं इसमें पानी के छींटे डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें दूध के छींटे भी डाल सकते हैं, और अगर आपका मोटा चूरा है तो उसको अच्छे से भिगा लें। और हल्दी स्वाद अनुसार इसमें मैंने नमक डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब में मैंने चीनी डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो नींबू का रस है वो मैंने डाल दिया है। मैं एक कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, 1 चम्मच मैं इसमें घी डालूंगी और 1 ही चम्मच मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। घी से जो पोहा का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी उभर के आता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। साथ ही मैंने येलो मस्टर्ड सीड डाला है, आप चाहें तो ब्लैक डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच के करीब में मैंने जीरा डाला है, कड़ी पत्ता, हरा मिर्चा, और साथ ही मैंने इसमें बारीक कटे हुए प्याज इसमें मैंने डाल दिया है, और साथ ही मैंने अदरक के भी डाल दिया है चॉप किया हुआ, और लहसुन 4 से 5 मैंने कलियां इसमें बारीक काट करके इसमें डाल दिया है। आपको इसको चलाना है थोड़ा सा, जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपको इसमें जो मैंने 1 गाजर महीन काट करके रखा हुआ है वो मैं इसमें डाल दूँगी गाजर को। साथ ही अगर आपके पास शिमला मिर्च रहे तो आप उसको बारीक काट करके डाल सकते हैं, इससे जो पोहा है और भी स्वादिष्ट बनता है। साथ ही मैंने जो सग्गा प्याज आजकल जो अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको डालिए, इससे स्वाद इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसको आपको अच्छे से चला देना है। साथ ही मैंने जो मटर जो मैंने छील करके इसमें डाल दूंगी, 1 बाउल के करीब में था, और स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है ताकि मटर अच्छे से गल जाए। और मैंने इसमें मैगी मसाला 1/2 चम्मच के करीब में डाल दिया है। अगर आप मैगी मसाला नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही ये देखिए मेरा जो मसाला है बिल्कुल गल गया है। अब मैं इसमें जो पोहा है उसको मैं डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिला दूंगी। इसमें जो 1/2 नींबू का रस है वो आप इसमें डाल दें, और अगर आपके पास नींबू का रस नहीं अवेलेबल है तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल दें। इस तरह से ये मेरा पोहा बिल्कुल रेडी है। आप इसको सुबह और शाम दोनों टाइम में, किसी भी टाइम में आप इसको बना सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी बनता है, और ठंडक में तो ये गर्मा गर्म अगर आप इसको खाएंगे तो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। और इस रेसिपी को इस तरह से आप ज़रूर बना करके देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन दबाना ना भूलिए।